स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रेड 8 की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। हमने स्फेयर का एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में आया, तो हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट करने लगी। सेकेंड पार्ट में रेडियस हमारे पास गिवन है, वो है 2.8 मीटर। एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखें। एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर हमारे पास इक्वल होता है 4πr² के। ठीक है, और 4 वैसे ही पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7। रेडियस हमारे पास गिवन है, वो है 2.8r² है, इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × 22/7, 2.8 का स्क्वेयर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.8 × 2.8। 4 × 22/7, इसका अगर आप पॉइंट ख़त्म करेंगे ओवर में 10 आएगा, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे ओवर में 10 आएगा। 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28। नोमिनेटर में जितनी वैल्यूज हैं जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 9, 8, 5, 6, 10 × 100। तो हमारे पास एरिया इक्वल आएगा 9.98.56। रेडियस हमारे पास मीटर में था, हमें पता है जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वेयर में होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर हमने एरिया फाइंड करना होगा तो हमारे पास रेडियस गिवन होगा। ठीक है, तो हमने फार्मूला में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें हमने रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है हमने, और एरिया गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है और एरिया हमारे पास गिवन है, वो है 231 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4πr². ठीक है, एरिया हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 231। एरिया की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी हमने, 4 वैसे ही पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और ये रेडियस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सही है, तो हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। देखें, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर 22/7 इधर वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, 7/22। ठीक है, तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इसकी पहले कैंसिलेशन कर लें, 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11। तो हमारे पास r² इक्वल आएगा 147/8 के। ठीक है, 147 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें, हमारे पास आ रहा है 18.375। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, ना कि r स्क्वायर की, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, r² इज इक्वल टू 18.375। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो इसकी स्क्वेयर रूट हमारे पास आएगी 4.29 अराउंड ऑफ करके। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास इसका यूनिट होगा मीटर, क्योंकि एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वेयर है। ठीक है, जब हम इसकी स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास आ गया 4.29 मीटर। ठीक है, ये हमने मेथड सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, स्क्वेयर रूट लेना डिवीजन मेथड से, डेसिमल नंबर्स की और दूसरी। ठीक है, तो उस मेथड से आपने लेनी है। इसका ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवाया है, थर्ड आप लोगों ने खुद करना है।
3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं, उसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, इसका मैं थर्ड पार्ट बने दूं। रेडियस हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 πr³, ठीक है। V इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस हमारे पास क्या गिवन है 7, इसका क्या आ जाएगा क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 × 22/7, 7 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 7 कैंसिल हो जाएगा। V इज इक्वल टू नोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ रहा है 4/3 × 2/3, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 1437.33। हमारे पास रेडियस सेंटीमीटर में था और यहाँ पे रेडियस का क्या था क्यूब था, जब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास मेथड था वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करने का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेडियस गिवन होगा तो हमने क्या करना है वॉल्यूम के फार्मूले में उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो ये वॉल्यूम हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया, सेकेंड आप लोगों ने खुद करना है। चलें सही है।